कांग्रेस पार्टी के मंडी संसदीय सीट से प्रत्याशी आश्रय शर्मा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र सिराज में हुई बंपर पोलिंग पर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि भाजपा द्वारा यहां बूथ कैप्चरिंग का प्रयास किया गया है। मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आश्रय शर्मा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र सिराज में हुई बंपर पोलिंग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा द्वारा यहां बूथ कैप्चरिंग का प्रयास किया गया है। यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए आश्रय शर्मा, पूर्व CPS सोहनलाल, पूर्व मिल्क फेड चेयरमैन चेतराम ने कहा कि इन लोकसभा चुनावों में सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया है, प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इसमें सरकार का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि सिराज में कांग्रेस के जो हमारे पोलिंग एजेंट थे उनके गलत हस्ताक्षरों वाली लिस्ट भेजी गई, जिस कारण पोलिंग एजेंट को पोलिंग बूथ में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी को दूरभाष पर इसकी जानकारी देने के बाद त्वरित कार्रवाई नहीं हुई। जब कार्रवाई हुई तब तक अधिकतर मतदान हो चुका था। आश्रय शर्मा का ये भी आरोप है कि चुनावों में भाजपा ने धन बल का इस्तेमाल किया है। भाजपा नेताओं ने जनता को तरह तरह के प्रलोभन दिए हैं। सिराज ने पैरामिलिट्री फोर्स न तैनात करके पुलिस और होमगार्ड के ही जवानों को तैनात किया गया। शाम 6 बजे के बाद भी अधिकतर स्थानों पर मतदान चल रहा था और दूसरी तरफ एग्जिट पोल जारी हो गया, जिसे चुनाव आयोग को रोकना चाहिए था। इससे मतदान पर काफी विपरीत असर पड़ा है। इस संदर्भ में एक शिकायत चुनाव आयोग से हम करने जा रहे हैं ताकि इस पर कार्रवाई हो। आप जानते हैं जो अभी चुनाव हमारे 19 तारीख को हुए हैं, इसके अंदर कई तरीके की हमको प्रणाली का सामना करना पड़ा। जहां आप देखते हैं सिराज विधानसभा क्षेत्र में ना वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल किया गया और SP महोदय के अध्यक्षता में वहाँ होमगार्ड लगाए गए और बूथ कैप्चरिंग सिराज विधानसभा क्षेत्र में हुई है। और इस बात को दरकिनारे नहीं किया जा सकता कि जब हमारे यहाँ पे मतदान जोरों शोरों पे चल रहा था, जब कम से कम 150-200 आदमी जो है मतदान केंद्रों में खड़ा था, तब पूरे देश भर में इन्होंने ओपिनियन पोल प्रचार प्रसार किए गए। ये बड़ा संज्ञेयन मसला है, क्योंकि अगर ऐसा हम लोकतांत्रिक ढांचे को हम बचा नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के ऊपर लगता है। मैं इसकी रिटर्न कंप्लेंट जो है चुनाव आयोग को भी करने वाला हूँ, क्योंकि हमारा जो ये देश है इसकी एकता खंडता के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चलता है कि जहाँ हम एक फेयर इलेक्शन कराने के अभाव में रहते हैं, वहाँ हम जो हैं ये देखते बगैर कि मतदान खत्म हुआ है कि नहीं खत्म हुआ, हम जो है यहाँ पे ओपिनियन पोल पूरे देश में चलाना शुरू कर देते हैं। और आज आप देखते हैं कि हमारी मशीनों के अंदर भी कई EVM मशीन खराब पाई गई, कई EVM मशीनों में देरी के कारण बड़ी बड़ी लाइनें लगी गई और लोगों को बहुत असुविधा हुई। और कांग्रेस पार्टी के जो हमारे एजेंट थे वो अपने जगह पे नहीं पहुंच पाए, वो सिग्नेचर का एक इशू रहा। और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहा, कांग्रेस पार्टी के साथ रहा, जहां हमारे एजेंटों को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। तो DC महोदय से हमने इसके बारे में चर्चा भी की और उनसे निवेदन भी किया, परंतु उनकी तरफ से जो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन है वो लोगों तक नहीं पहुँच पाई और 12-1 बजे तक हमारे जो पोलिंग एजेंट हैं वो बूथ के अंदर नहीं घुस पाए। तो ये बड़ा संगीन मसला है। हमने कई चुनाव देखे हैं, कई चुनाव लड़े हैं और लड़वाए हैं, परंतु आज तक हमने ऐसा कहीं नहीं देखा जहां सरकार का इतना दुरुपयोग किया हो और लोकतांत्रिक प्रणाली पर प्रहार किया गया।